रिवाइज करो। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग के 7 o'clock का टाइम हो रहा है। बेटू रेडी हो चुकी है क्योंकि आज से बेटू के जो है वो यूटी स्टार्ट हो गए हैं। 27 है आज सैटरडे। वैसे तो आज बेटू का हाफ डे है। अगर उसका यूटी नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं भेजती थी उसको, क्योंकि सुबह 4 बज गई थी हमको सोते सोते, और 2 घंटे में मुश्किल से सोई हूँ। 5:45 बजे से भी मैं पहले उठ गई थी। आज थोड़ा सा लेट उठी 15-20 मिनट, क्योंकि आज मैं बेटू को टिफ़िन नहीं दे रही हूँ। जस्ट मैंने एक पराठा बना करके दिया, मतलब प्रॉपर खाना नहीं बनाया है। खाना अब इसके जाने के बाद मैं बनाने के लिए रखूँगी, क्योंकि मेरे को इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कराना था। आता इसको था, बट अगर मैं रिविज़न नहीं करवाती तो फिर ये मतलब नहीं कर पाती अच्छे से। थोड़ा सा बच्चों को ना रिविज़न की नीड होती है। तो चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बाद यहाँ पे मैंने राइस और राजमा बनने के लिए रख दिए थे। तो राजमा मेरे बॉयल हो चुके थे, प्यूरी वगैरह बना करके मैंने साथ साथ फ्राई होने के लिए भी रख दी थी, और राइस को भी वॉश करके रख दिया था। मैंने कहा एक बार कुकिंग से मैं फ्री हो जाऊँगी ना, फिर थोड़ा सा बैठ करके टाइम स्पेंड कर पाएंगे। अदरवाइज़ फिर ना फुल डे जो होता है वो किचन में ही निकल जाता है। तो यहाँ पे मेरा खाना वाना बन चुका था और बेटू भी स्कूल चली गई थी। अब आराम आराम से क्लीनिंग का जो काम था वो मैं निपटा सकती थी। और उसके बाद फिर शीतल उठी, फ्रेशन अप वगैरह हुई, तो मैंने उससे पूछा कि फ्रूट कट करना है। तो उसने आज ना फ्रूट कट करने के लिए मना कर दिया। उसको ना एक्चुअली स्टार्टिंग से हैबिट है मॉर्निंग में उठते ही चाय और पराठा खाने की। तो बीच में ना जैसे वो यहाँ पे रह करके गई थी मेरे घर, तो मैंने उसको छुड़वा दिया था। मैंने कहा मॉर्निंग में थोड़ा सा चाय फ्रूट्स खाया कर, बट फ्रूट्स खाया कर। तो उसने फ़िलहाल स्टार्ट करा हुआ है, बट आज उसका मन नहीं था क्योंकि लेट नाइट हम जागे हुए थे। और थोड़ा सा कई बार होता है ना, हमको कुछ मतलब प्रॉपर अपना पहले जैसे रूटीन में आने का मन करता है। तो फिर मैंने उसके लिए एक रोटी का आटा लगाया मॉर्निंग में, बेटू को भी पराठा बना करके दिया था, तो एक ही रोटी का मैंने तब भी आटा लगाया था। तो फिर एक रोटी का आटा और लगाया, और फिर दूसरी साइड मैंने टी बनने के लिए रखी, और साथ में फिर एक पराठा भी बनाया। एक्चुअली मैं ना टी बना ही रही थी मनीष के लिए बैठी, तो उसने बोला कि फिर ऐसा करो टी बना ही रहे हो तो मेरे लिए भी चाय के साथ एक पराठा बना करके दे दो। उसको नमकीन बिस्किट भी खाने का मन नहीं था क्योंकि घर पर वो ना पराठा ही खाती है। तो फिर मैंने एक साइड पराठा बना दिया, दूसरी साइड टी बना दी थी, और बस यहाँ पे फिर मेरा पराठा जो था प्लेन पराठा ही खाती है वो, तो प्लेन ही बनाया था मैंने, जो सॉल्ट वगैरह डाल करके बनाते हैं। और बस वहाँ पे राइस भी बन गए थे, और जो राजमा राइस बने हुए थे ये दोपहर को काम आ जाएंगे मैंने कहा, क्योंकि मैं तो वैसे भी ब्रंच करती हूँ। मेरा तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और दोपहर का खाना एक साथ ही होता है। तो अभी अगर मॉर्निंग में सबने राजमा राइस खाए होते तो फिर हल्का फुल्का मैं दोपहर को कुछ बनाती थी, बट अभी शीतल ने अभी अपना चाय पराठा खा लिया था, और मनीष का भी ब्रंच की हैबिट है उनको भी, और तो अभी फिर ये सारा जो राजमा राइस वगैरह है ना तो ये लंच में खाया जाएगा। तो यहाँ पे पराठा बन गया था, टी भी बन गई थी, और उसके बाद फिर हमको चाय पराठा इंजॉय करना था। मनीष बैठी इंजॉय करते, शीतल अपना चाय पराठा इंजॉय करती, और मैं अपने फ्रूट्स इंजॉय करती थी। फ्रूट्स मैंने खा लिए थे इस टाइम पे। तो ये देखो यहाँ पे टी बन गई है और दूसरी साइड पराठा जो था वो भी सिक गया है। उसके बाद शीतल अपना पराठा और चाय पी रही थी, और मैं आ गई थी यहाँ पे अपना पार्सल खोलने के लिए, क्योंकि ये 3-4 दिन हो गए थे आया हुआ मुझे लगता है, और मैं ना खोल ही नहीं रही थी। हाँ, एक बार चेक तो करना होता है ना, कई बार डिफेक्टिव चीज़ आ जाती है या फिर कुछ और ही आ जाता है, कुछ और मंगाओ। तो फिर मैंने कहा चल मैं आज ये खोल ही लेती हूँ, शीतल के पास ही पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको बोला चल अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। वो पूछ रही थी कल कि क्या है इसमें, मैंने कहा चल साथ में अनबॉक्सिंग करते हैं बैठ करके। तो फ्लिपकार्ट से मैंने ही मंगवाया था। एक्चुअली छोटे मोटे ना ऑर्गेनाइजर्स की मेरे को ज़रूरत थी, अभी फ़िलहाल ना काम चला रही हूँ मैं, क्योंकि जो छोटे स्पेसेस होते हैं ना वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी आपका घर जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज रह सकता है। तो ये ना इस टाइप की कुछ बास्केट्स थी जिसके अंदर ना पार्टीशन बने हुए थे, तो मेरे को ना ये ठीक लग रहा था। मल्टीपर्पज़ आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप इसको अपना अंडरगारमेंट स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हो, अपना कॉस्मेटिक स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मतलब बहुत सारे इसमें मल्टीपल यूजेज़ हैं, हेयर बैंड, रबड़ बैंड, हेयर बैंड तो नहीं, रबड़ बैंड्स, या फिर कुछ भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बटन्स वगैरह, सुई धागा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। पार्टीशन बने हुए हैं, बट इसमें ना और भी एक आती हैं ऑर्गेनाइज़र जिसका पार्टीशन भी ना हम एडजस्ट कर सकते हैं कि हमको कौन सा कंपार्टमेंट बड़ा और छोटा चाहिए। इसमें आप अपनी ईयरिंग्स वगैरह भी स्टोर कर सकते हो, रबड़ बैंड्स, क्लिप्स, छोटा मोटा मेकअप, तो बहुत सारे मल्टीपल यूजेस सोच करके मैंने इनको मंगवाया था कि ये कुछ अलमीराज में भी यूज़ हो जाएंगी और कुछ ड्रेसिंग में भी यूज़ हो जाएंगी, तो ये मंगवाए हुए थे मैंने।
टू माई चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आप क्या कर रहे हो ये तो बताओ। फोन कर रहे हैं, फोन चला। चलो मैं डिफाइन करता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आपका इस चैनल पे बड़ा स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, आदाब, जय श्री राम। तो ये मैडम है, अभी सो के उठी हैं। सो के उठी हो? इतना सारा खाना आपने बनाया है। अच्छा, खाना बना के आई हैं, लेकिन सो के अभी उठी हैं। तो सुबह 4 बजे सोए थे। हाँ जी। तो मैं दोबारा उठ के मैंने, तो मैं इनसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ आप जनता के सामने। क्या आप मुझे प्यार करती हैं? अगर ये सेम क्वेश्चन मैं आपसे करूं तो चीजों को नहीं हरा सकती कभी भी। हरा दिया इसमें होता है यार। देखो देखो, मार रही है, देखो गौर से देखो इस औरत को, जितनी सीधी दिखती है ना ये उतनी सीधी है नहीं। मतलब भलाई का बहुत ज्यादा है ना। हाँ, बहुत ज्यादा पागल हो। भलाई का तो जमाना ही आज, भलाई का सच में जमाना। ये जो छोटी बहन है इसकी, ये क्रैक माइंड है पूरी, और ये बड़ी पूरी, ये फुल क्रैक है। देखो गौर से देखो, इसने मुंह भी नहीं धोया अभी तक। आपके नहा धो के बैठे हो? हाँ बिल्कुल। देखो सुन के देखो, इधर आओ मर्दाना खुशबू भाई। बेटे मेहनत करता हूँ, मेहनत। हम तो नहीं करते ना ना। हाँ, ये इतने परफ्यूम मारती है, परफ्यूम मुझे पसंद है। सुन जरा, सुन परफ्यूम। मेरे को नहा धो के एक रिफ्रेशिंग सी फ्रेग्रेंस आना। वो नहाती कब है? शाम के टाइम पे। इसने बोला था कि जीजू मैं इस बार घूमना चाहती हूँ, देखो अभी तक 12 बजे तक बिस्तर। अब ये कहेगी कि मैं 2 बजे उठती हूँ, 4 बजे मेरी गुड मॉर्निंग होती है, घर पे उठ जाती हूँ। तो सैटरडे था, वीकेंड्स पे मैं लेट उठती। के बाद यहाँ पे हो गया था इवनिंग का टाइम, 27 का ही ये व्लॉग है बिट्टू के बर्थडे से नेक्स्ट डे का, फ्राइडे का। तो उसके बाद हम इवनिंग में निकल गए थे घर जाने के लिए। सडन प्लान बना था, वैसे तो हमारा घूमने फिरने का प्लान था, बट वो चेंज हो गया था और हम घर निकल गए थे मम्मी के लिए। शीतल का भी संडे तक का स्टे करने का प्लान था, बट फिर सडन प्लान बना तो हम ही साथ चले गए थे। उल्टा हम वहाँ पे फिर स्टे करके आए थे, और रास्ते में वेदर काफ़ी अच्छा हो गया था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पूरा क्लाउडी सा वेदर हो गया था। और बस फिर हम अपना इंजॉय करते हुए मम्मी के घर जा रहे थे। रास्ते बेटू सोती हुई गई थी, बेटू ही क्या, इनफैक्ट हम भी थोड़ा थोड़ा सोते हुए गए थे, क्योंकि कल रात से हम जागे हुए थे लेट नाइट तक। तो ट्रैवल करते करते ना हमको बहुत तेज़ नींद आ गई थी, और जब थोड़ा वेदर अच्छा हुआ ना, हल्की फुल्की रास्ते में ना बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तब जाकर के हमारी नींद खुली और हम अच्छे मूड में आए, मतलब इंजॉय करने के मूड में आए जब यहाँ पे वेदर अच्छा हो गया था। और इस टाइम देखो हम सो करके उठे थे, फेस से ही लग रहा है ना कि हम सो करके, वो देखो वो भी पीछे लेटी हुई है और उसकी गोदी में बेटू लेटी हुई है, क्योंकि नींद हमारी पूरी नहीं हो पाई थी। तो फिर जब वेदर अच्छा हुआ, फिर उसके बाद हमने बहुत इंजॉय करा पूरे रास्ते, हम फिर लॉन्ग ड्राइव वाला इंजॉय करते हुए गए थे। अदरवाइज ऐसा मतलब ऐसी लो सी फीलिंग हो रही थी कि यार सोने को मिल जाए। फिर फाइनली यहाँ जा कर के थोड़ी सी बारिश हुई थी, हल्की फुल्की हुई थी, बूंदाबांदी सी, और फिर ठंडी ठंडी जब हवा चली ना, तब जा कर के अच्छा लगा, नींद खुली और फिर हमने बहुत इंजॉय करा। थोड़ा सा ही रास्ता बचा था तो तब हमारी नींद खुली थी, फिर हम इंजॉय करते हुए मम्मी के घर पहुँच गए। हम उठे थे तो मनीष भी अपना थोड़ा काम से फ्री हो गए थे, उस टाइम में उनका भी काम चल रहा था, तो हम भी बोरियत से हम भी सो गए थे। इसके बाद हम सब उठे और मनीष ने हमको कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुनाए जो वो मेरे को बहुत पहले सुनाया करते थे। तो वो मेरे को बोल रहे थे कि, मतलब वो बैट लगा रहे थे कि ये वाला सॉन्ग बताओ मैं तुमको सुनाया करता था, फिर एक चॉकलेट दिलाऊंगा, फिर ये वाला सुनाओ, मतलब ये पूछ रहे थे मेरे से कि ये कौन सा सॉन्ग है कौन सा सॉन्ग है। तो मेरे को ना वो पहले बहुत सारे सॉन्ग्स जो हैं वो डेडिकेट किया करते थे, तो वही सारे उन्होंने चलाए हुए थे, वही सारे वो पूछ रहे थे।
तो ऐसे ही मस्ती मजाक करते करते फिर हम घर के लिए जा रहे थे, तो अच्छा लगता है, थोड़ी मेमोरीज ना रिफ्रेश सी हो जाती हैं जाते जाते, थोड़ा हंसी मजाक सा हो जाता है जो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इतने पुराने पुराने सॉन्ग्स जो मेरे को वो बहुत पहले सुनाया करते थे, वो सारे सुन मतलब पूछे कि ये कौन सा, उनमें से मैं शायद एक भी नहीं बता पा रही थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। तो फिर सारी शर्तें मैं हार गई थी, मेरे को कुछ नहीं मिला, उन्होंने चॉकलेट की और बहुत सारी चीज़ों की शर्त लगाई थी, और यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीटिंग भी करी थी कि नहीं नहीं यही है, मैंने यही बताया था। तो ऐसे ही हमारा चलते फिरते इंजॉय करते हुए सफ़र कट गया, और उसके बाद हम पहुंच गए थे, पहले हम गए थे शीतल को छोड़ने के लिए, पहले हम गए थे चाचा चाची के घर, फिर वहाँ बैठे थे, फिर हम काफ़ी लेट नाइट अप्रॉक्स 11 बजे फिर मम्मी के घर गए थे, पहले शीतल को ड्रॉप करा था, उसके बाद फिर हम गए थे मम्मी के घर, और फिर यहाँ पे बेटू का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था 27 को, मतलब क्योंकि उस दिन ना कोई आ नहीं पाया था बेटू का बर्थडे, एक्चुअली भाई की ना थोड़ी कुछ उस दिन इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी जिसकी वजह से वो आ नहीं पाया था, और सब लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे, तो सिर्फ वही आकर के केक कटिंग के लिए बैठा आगे, बाकी सारे कैमरे के पीछे थे। और फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि हमको आइडिया भी नहीं था कि ऐसा केक कटिंग वगैरह होने वाली है। तो हम गए थे तो मेरी भाभी जो है यानी कि दिव्यांशी की जो मामी है उसने केक मंगाया हुआ था, तो हम कुछ ऐसा पता नहीं था, सब आराम से लेटने और बैठने के मूड में थे, मतलब सोने के मूड में थे, और सडन फिर केक कटिंग का प्लान हुआ, तो फिर भाई ने केक कटिंग करा दी थी, और बस फिर बेटू का बर्थडे हमने यहाँ पे सेलिब्रेट करा, बिलेटेड बर्थडे हो गया था इसका, और फिर सबको उसने केक वेक खिलाया, और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई थी, या ये हो गया था संडे का डे, क्योंकि दो दिन ना मैं मम्मी के घर चली गई थी इसीलिए मेरे सारे जो व्लॉग्स थे वो लेट लेट आए यहाँ पे। फिर नेक्स्ट डे संडे हो चुका था और हम चले गए थे किसी काम से बाहर, मैं थी, मेरी भाभी थी, भाई थी, भाई था और भाई का ये बेटा था, तो हम गए हुए थे किसी काम से नोएडा के लिए, तो यहाँ पे बस हम सारे निकल गए थे नोएडा के लिए। तो थोड़ी सी मैंने जो क्लिप्स वगैरह थी वो ली थी, मतलब एक थोड़ा सा कनेक्शन हो जाता है ना, इसलिए छोटी छोटी क्लिप्स मैंने ले रखी हैं। यहाँ पे भी आने का सडन प्लान बना था, कुछ काम से गए हुए थे, भाई का कुछ काम था, तो ये आ गए थे हम नोएडा, बहुत ही लंबे टाइम के बाद मैं नोएडा गई थी। एक्चुअली पहले हम नोएडा में ही रहते थे, तो अभी जब हमें घर लेना था ना तो मनीष का पहले मन था कि हम नोएडा में लेते हैं, नोएडा काफ़ी खुला खुला है, तो फिर नोएडा में मेरा मन नहीं था लेने के लिए, तो हम उसी साइड गए हुए थे जहाँ हम पहले रहते थे गौर सिटी के पास। तो यहाँ पे आकर के मुझे दिखा रहे थे, देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और वहाँ पे कितना कंजस्टेड हो जाता है दिल्ली में, एक्चुअली ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो काफ़ी एक्चुअल में बहुत डेवलप सा हो गया है नोएडा, और अच्छे खुले खुले से रोड्स हैं, कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी ना मेरे को नोएडा में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मेरा मन वहीं था, पहले हम नोएडा में ही रहते थे और इसी साइड ही रहते थे जहाँ पर हम गए हुए थे काम से। तो थोड़ी सी फिर मैंने रिकॉर्ड कर ली थी क्लिप्स, बाकी ग्रीनरी वगैरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन है नोएडा, आकर के ना दिल खुश हो गया। फिर उसके बाद हमने हल्का फुल्का कुछ खाया पिया, समोसा और जलेबी ये सब लेकर के आया था भाई, तो मैंने जलेबी वलेबी नहीं खाई थी, कोल्ड ड्रिंक के साथ मैंने समोसा ले लिया था, तो हमने कोल्ड ड्रिंक और समोसा इंजॉय करा। उसके बाद फिर हम वापस निकल गए घर के लिए, तो जो संडे का डे था ना वो भी इस तरह से आने जाने वाला, सैटरडे जो फ्राइडे था वो बिट्टू के बर्थडे में निकला, जो सैटरडे था फिर वो घर आने में निकला, और जो संडे था फिर हम नोएडा चले गए थे, नोएडा से फिर हम घर आए, शाम हो गई थी अप्रॉक्स, शाम के बाद फिर हमने डिनर करा मम्मी के घर, डिनर करके फिर हम लेट नाइट अप्रॉक्स 11 बजे हम मम्मी के घर से निकले अपने घर आने के लिए, 10:30 बजे या फिर 11 बजे निकले थे, कुछ ऐसी लेट सा टाइम था वो, अभी आगे जब मैं व्लॉग एंड करूँगी ना तब पता चलेगा कि हम कितने बजे घर पहुँच रहे हैं, क्योंकि मैं टाइम बताऊँगी, तो फिर वहाँ इसीलिए जो मेरे सारे व्लॉग्स वगैरह थे वो लेट हो गए थे, और बस इसके बाद हम अपने घर पहुँच गए थे। सो गाइज, रात के बज गए हैं 11:30 और अभी जस्ट पहुँचे, अभी मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले व्लॉग का एंड कर दूँ, और क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और मुझे पता भी नहीं वाला व्लॉग जो है वो पूरा बन पाया होगा या नहीं बन पाया होगा,
बट अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब जा कर के चेंज वेंज करूँगी और बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करा मैंने। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।